नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दंपत्ति की हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली। लगभग 3 माह बीतने के बाद भी सभी अपराधी पुलिस पकड़ से बाहर। झरी पंचायत के पूर्व मुखिया विनोद यादव द्वारा पीड़ित परिवार के लोगों को मिल रहा है केस उठाने की धमकी। पीड़ित परिवार वाले के भाई मनीष कुमार ग्राम सोनदहा निवासी ने बताया कि मेरा बहनोई रंजीत यादव ग्राम कपूर बीघा के रहने वाले, लोगों ने मेरी बहन अनीता कुमारी को दहेज के लिए अक्सर प्रताड़ित करता रहता था, जिसकी शिकायत टेलीफोनिक रफीगंज थाना और महिला थाने को दी गई थी, लेकिन कार्रवाई में लापरवाही बरतने के कारण बीते माह हत्या कर सभी लोग घर से फरार हो गए हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय थाना रफीगंज को दिया गया, लेकिन लगभग 3 माह बीतने के बाद भी पुलिस पकड़ से सभी अपराधी बाहर हैं क्यों? लगातार दहेज के कारण विवाहित महिला की हत्या होती जा रही है और पुलिस प्रशासन के द्वारा त्वरित और कड़ी कार्रवाई में भी लापरवाही बरती जाती है, जिससे हत्या करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ता जाता है और बिहार में बेटी सुरक्षित नहीं है। दमाद मार दिया बेटी के। आपकी बेटी को मार दिया दमाद? हाँ। किस लिए मारा? कुछ मनोदिकत से मार दिया कि बोल नहीं रखेंगे, यू करेंगे वो करेंगे, सब मांग रहा था। पैसा मांगे जा रहा था? हाँ, कि कमा जो दो भाई हते तो दो हमको पैसा। अच्छा। बोल गरीब आदमी हलाय, सोचे थे कि मांग मांग के हमरा लाला के दे, ना देवे में इतना कार्रवाई कर दूंगा। कितना दिन पहले शादी किए थे बच्ची का? 3 साल हो गए। जब घटना घटा तो थाना में आवेदन दिए? हाँ दे दिए थे। कौन सा थाना में आवेदन दिए? महिला थाना दिए, औरंगाबाद महिला थाना दिए। अच्छा, और कहीं थाना में आवेदन दिए? औरंगाबाद में? औरंगाबाद में हमें दिए, खाली महिला थाना दिए, कोर्ट में गए, कोर्ट में बोले कि महिला थाना जाके दिए। रफीगंज तो ये पहले ही हुआ था। रफीगंज थाना में आवेदन दिए? हाँ। अभी घटना के कितना दिन बीत गया है? लगभग 3 महीना हो गया। 3 महीना? हाँ। गिरफ्तारी किया गया है? नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं। यही कारण मार दिया है, पैसा वैसा के कारण। पैसा डिमांड किया जा रहा था? हाँ। क्या बोला जा रहा था? ये हमको पैसा दो ना तो मार देंगे। कितना पैसा था? यही 50-60 हजार हर महीने मांगता था वो। अच्छा, तो 2-3 बार दिए थे। किसको मार दिया? मेरा बहन को। क्या नाम था? अनीता देवी। अच्छा, कितना दिन बीत गया घटना? घटना घट गया 3 महीना हो गया। 3 महीना अभी तक किसी का गिरफ्तारी? अभी कुछ नहीं हुआ। कौन सा थाना में केस हुआ? रफीगंज हुआ था, औरंगाबाद महिला थाना हुआ था। अच्छा, अभी थाना से इंक्वायरी करते हो, पूछते हो तो क्या बोला जाता? कुछ बोला जाता है? बोला था कि ओखनी बोलता है कि हम देख लेंगे, समझ लेंगे, उधर से पैसा वैसा दिया थाना में। लड़का पक्ष वाला बोलता है? हाँ, उसी का परिवार में लगता है कोई थाना वाला। अधीक्षक से मांग करते हो? औरंगाबाद से बड़ी पुलिस अधीक्षक से ये चाहते हैं कि अच्छी मिले, इंसाफ इंसाफ मिले। हाँ। क्या नाम तुम्हारा? मनीष कुमार। कहाँ रहते हो? बाके बाजार। थाना बाके बाजार हुआ। जो लोग घटना किया है वो तुम्हारे कौन है? सब बहनोई सब है। क्या नाम है? बहनोई के नाम है रंजीत यादव। और बाकी उन्हीं को भाई सब है। उन लोगों को नाम जानते हो? नाम ध्यान में नहीं। फोन संख्या याद है? FIR नंबर? हाँ, 401-23। विटामिन न्यूज के लिए गया बिहार से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।